सर्वप्रथम ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए, उत्तरा पुलिस के लिए और ऐसा के लिए कि हमारे 50 के करीब जवान का डोनेशन करने का, और हमेशा हम प्रयास के माध्यम से ये करते रहे ताकि हम लोग ये भी देख रहे हैं कि शायद पूरे साल में जो पूरा भर में अगर किसी एक संस्थान का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो ब्लड डोनेशन में तो पी एस आर और त्रिपुरा पुलिस का है, तो ये सबसे बड़ी गर्व की बात है। दूसरी, हम लोग प्रयास के माध्यम से और ये उसके तहत ये प्रत्यय के माध्यम से एक मैसेज देना चाह रहे हैं पूरे त्रिपुरा में, गाँव में देशवासियों को भी, कि त्रिपुरा के जवान ना तो सिर्फ एंटी इंसर्जेंसी या लॉ एंड ऑर्डर इत्यादि के लिए अग्रसर हैं, वो इसलिए भी बहुत अग्रसर हैं और कमिटेड हैं कि हमारी जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, हमारी जो कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से जो हमारी एक आउटरीच एक्टिविटी है उसमें हम कमिटेड हैं टू फाइट ऑल सोशल मैनेस, हमारी सामाजिक समस्याओं को फाइट करने की एक इंटरनल और ऑर्गेनाइजेशनल डोमिनेशन है, और हमारी ये कोशिश है कि हम एंटी नारकोटिक ड्राइव में, जिसमें हम नॉट ओनली कंट्री बट स्टेट के लिए भी सब तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि इसे रोका जाए, एक मैसेज के थ्रू यंग लोगों में जो प्रत्यय में बहुत अच्छे से दिखाया और हमारे लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से इसको इस नाटक को किया भी, कि एक एक्सट्रीम अगर आप जाते हैं ड्रग्स के माध्यम से तो पूरा लाइफ बर्बाद हो जाता है, और दूसरा है कि अगर आप कभी भी किसी भी समय रेडी हों वापस आने के लिए तो आपकी लाइफ सुधर सकती है। ये बहुत बड़ा मैसेज है, और इसके साथ साथ त्रिपुरा पुलिस और पीएसआर दोनों की बहुत कंट्रीब्यूशन है एंटी ड्रग कैंपेन में, और आप देख रहे होंगे पिछले एक दो महीने तीन महीने में बहुत मेजर कैचेज हुए हैं हमारे, बहुत बड़ी बड़ी ट्रक्स और कंसाइनमेंट्स को हम लोगों ने रोका है। हमारे लिए ये बहुत ही इज्जत की बात है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और देश की जितनी एंटी नारकोटिक्स ग्रुप्स हैं उन सबों ने माना है कि हम देश में हमारी टॉप कैचिंग और नारकोटिक्स सीजर कर रहे हैं, जितने राज्य हैं, राज्य पुलिस हैं, उन सबों में हमारा बहुत ही ऊपर लेवल का दर्जा है। नॉर्थ ईस्ट में तो हम दो नंबर पे पक्का हैं, और डिस्ट्रक्शन में जो हम पकड़ रहे हैं उसको डिस्ट्रॉय भी करते हैं,
डिस्ट्रक्शन में भी हम करीब करीब इस बार की जो हमारी एनकॉर्ड की मीटिंग थी उसमें तो एनसीबी ने कहा है कि हम नंबर वन थे। इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन और ऑर्गेनाइज ढंग से डिस्ट्रक्शन शायद और किसी भी राज्य में नहीं हो रहा है। तो हम डिटर्मिंड हैं, सारे लोग, और आपने देखा हमारे जवान से लेकर ऊपर तक सब लोग डिटर्मिंड हैं कि इस सामाजिक समस्या को किसी भी तरह फैलने से, कानूनन ढंग से, सौहार्द से, कम्युनिटी आउटरीच से, नाटक के माध्यम से, सब तरफ से कोशिश करना है कि हम त्रिपुरा को ड्रग्स फ्री बना सकें। और इसके लिए मैं अपने तरफ से, अपने सीनियर अफसर्स के तरफ से, PSR के जवानों को, उनके कमांडेंट को, उनके और अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ये आश्वासन देता हूँ कि हम सबों के तरफ से ये सपोर्ट और ये प्रयत्न हमेशा चलता रहेगा। सर, अभी तक एक भी कई असामी पकड़े गए हैं जो इन्वॉल्व हैं इन सारे एक्टिविटीज़ में। हमारी एक SIT बनी है जो सिंडिकेट को और जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है जो क्राइम ब्रांच में कार्य कर रही है, जो सिंडिकेट को और बड़े असामियों को देख रही है, वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो दोनों के साथ उनका समन्वय है। और हमारी ये किसी भी बड़े नारकोटिक ड्रग ऑर्गेनाइजेशन या किसी सिंडिकेट को पकड़ने के लिए बहुत डिटेल इन्वेस्टिगेशन और बहुत तह में जाने के लिए हम तथ्य और एविडेंस तो ये हमारी कोशिश जारी है। पिछले कुछ महीनों से हमने ये शुरू किया है और हमारी ये अपेक्षा है और वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम कुछ दिनों में आपको कर दें।